दिस इज टू मैग्नेट और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू आंसर टेल मी अबाउट योर सेल्फ वेन यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू दैर इज फॉर अ टीचर्स रोल यानी आप बनना चाहते हैं टीचर वेरी गुड अ गुड प्रोफेशन और उसके लिए आप इंटरव्यू देने गए हैं किसी स्कूल किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी या किसी चैनल पे ताकि आप अपना नॉलेज अपने स्टूडेंट्स को इम्पार्ट कर पाएं देन डेफिनेटली आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है टेल मी समथिंग अबाउट योर और इंट्रोड्यूस योर किस तरीके से आपको आंसर करना है एज अ टीचर लेट्स डिस्कस दैट बट बिफोर वी मूव ऑन टू द आंसर हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा क्यों जाता है सबसे पहला रीजन है टू नो वेदर यू हैव द ईगरनेस डिटर्मिनेशन एंड माइंड सेट टू बिकम अ टीचर देखो कई लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि अच्छा कुछ नहीं है तो चलो हम टीचर बन जाते हैं बट दैट्स नॉट राइट ठीक है अगर आपको नहीं पसंद है टीचिंग का ना पैशनेट नहीं हो तो फिर वो आपके लेसन में भी दिखेगा सो so, डेफिनेटली जो भी इंटरव्यूअर है प्रिंसिपल है जो भी हैं वो बिल्कुल जानना चाहेंगे कि क्या आप सच में एक टीचर बनना चाहते हैं आर यू पैशनेट आर यू डिटर्म टू वर्क एज अ टीचर और फिर ही वो आप को हायर करना पसंद करेंगे तो वो जानने के लिए वो आपसे बोलते हैं टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ बिकॉज इस आंसर में आप जो भी पॉइंट्स बोलोगे जो रिलेटेड होंगे विद टीचिंग वो बिल्कुल आप बता देंगे उन जो भी पर्सन है ऑब्वियसली बहुत टाइम से इंटरव्यू ले रहे होंगे वो उन्हें डेफिनेटली दिख जाएगा कि आप परफेक्ट फिट हो या नहीं

आप टीचर ही बनना क्यों चाहते हो और भी तो इतनी फील्ड हैं टीचर ही क्यों वो भी आपके आंसर से बिल्कुल पता चल जाता है बिकॉज आप कहीं ना कहीं अपने इंट्रोडक्शन में ही बताओ ये बताओगे ही कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हो बिकॉज दैट इज अ मस्ट इन योर आंसर डन अब आंसर देने के लिए या उसके को प्रिपेयर करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं आर पॉइंट्स कीप योर आंसर पॉजिटिव एंड प्रोफेशनल आपका आंसर बहुत पॉजिटिव होना चाहिए बिकॉज अगर आपका आंसर बिल्कुल एक अच्छी वाइब देगा जो भी लिस्टनर है उसको then definitely आप क्लासरूम में भी एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट कर पाओगे ऑल्सो यू शुड साउंड प्रोफेशनल अब ये हर एक इंटरव्यू पे लागू होता है पॉइंट दैट यू शुड ऑलवेज साउंड प्रोफेशनल ऐसे एक्ट मत करो जैसे कि आप अपनी ही कंपनी में इंटरव्यू देने गए हो अवॉइड समराइजिंग योर रेज्यूमे वर्ड टू वर्ड आपने ऑलरेडी रेज्यूमे दे दिया है जो भी इंटरव्यू ले रहे हैं उनको भले ही उन्होंने नहीं पढ़ा हो फिर भी ये मत करना कि आप रेज्यूमे को बिल्कुल जैसा लिखा है आप रट के आए हो बिल्कुल नहीं आपको नेचुरल साउंड करना है और कुछ अलग बोलना है भले ही वो रेज्यूमे में हो बट आप वैसा का वैसा नहीं बोलोगे यू वुड एड समू इट डेमोन्स्ट्रेट इन योर आंसर्स दैट यू लव टीचिंग एंड नो हाउ टू हेल्प द स्टूडेंट्स अपने आंसर्स में आपको बताना ये बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे आप कैसे एक बेहतर टीचर हो जिनको यू you नो know, हायर करे वो पर्टिकुलर स्कूल या कॉलेज ना कि किसी और को सो यू नीड टू शो इन योर आंसर दैट यू आर द बेस्ट परफेक्ट टीचर दे कैन एवर हैव ऑल्सो आपको हमेशा एक प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज यूज करनी है स्माइल रखनी है अपने फेस पे बिकॉज देन ओनली आप बहुत कॉन्फिडेंट साउंड करोगे अब ये सारे पॉइंट्स पढ़ना क्यों जरूरी है बिकॉज यू नेवर गेट अ सेकेंड चांस टू मेक अ फर्स्ट इंप्रेशन आपको पहला इंप्रेशन जो भी यू you नो know, पड़ेगा आपके इंटरव्यूअर पे वो आपके इस क्वेश्चन के आंसर से पड़ेगा और ऑब्वियसली आपको सेकेंड चांस नहीं मिलेगा कि फिर से चलो हम आपको मौका दे रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर करो नहीं बिकॉज आप इंटरव्यू के लिए गए हो एंड बहुत सारे लोग और वेट कर रहे हैं सो आप

i have done my b.a from xyz university i have worked in tvmc school for four years i always wanted to be a teacher and impart knowledge and guidance to my students i believe in opting for practical approach to help my students and also believe that technology is a wonder in the classroom i always use images and colorful presentations to make classes interesting for students

I have done my MA from ABC University. I have been an English teacher for 15 years now. I was awarded Teacher of the Year award in the last school where I was teaching. Because of my teachers, I enjoyed learning and I also want to help my students to enjoy learning. I want to help them to discover their skills and polish them. I believe the environment around the students must be fun and exciting so that they enjoy their lessons.